नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। यहां से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की। रूपा जी से जानेंगे कि अब एग्री कम्युनिटीज में क्या संभावनाएं हैं, एग्री कम्युनिटीज में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे कम्युनिटीज में मुनाफा कमाने की। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे बिनौला खल से। रूपा जी देख रहे हैं कि बिनौला खल का मार्च वायदा भी 3100 के ऊपर है और अप्रैल वायदा भी 3100 के ऊपर। कोई ज्यादा खास तेजी मंदी नहीं है, अभी भी सीमित दायरे में ही देखने को मिल रहा है। एक ब्रेकआउट लेवल आज भी नहीं देखने को मिला है। रूपा जी पहले सबको आशंकाएं थी, उम्मीद थी कि बिनौला खल मार्च महीने में काफ़ी अच्छी रैली दिखला देगा, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि काफ़ी समय से सीमित दायरे में ही कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आपको ऐसे में क्या लगता है, दूध की कीमतें बढ़ जाना, हरे चारे की कीमतें बढ़ जाना, तो क्या अब बिनौला खल की भी कीमतें बढ़ सकती हैं? क्या अब बिनौला खल की इंडस्ट्रियल डिमांड निकलने का सही समय आ गया है? नहीं, अभी बिनौला खल में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई देगी। मैंने पहले भी बताया था कि 3000 से लेकर 3200 की फिलहाल रेंज है। जब तक इसके ऊपर या नीचे का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं देगी जी। इसी के साथ रूपा जी बात करें अगर M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन में आपको क्या लग रहा है? हमने M6 कॉटन के अंदर भी हाल ही में तेजी आते हुए देखी है, जो प्राइसेज हैं वो भी 37,000 के ऊपर निकले हैं। अभी देख रहे हैं कि ये जो कॉटन M6 कॉटन का जो मार्च वायदा है 37,410 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या ये जो कच्चे तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं उसकी वजह से कॉटन में तेजी आ रही है? देखिए, कॉटन में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, ये तो छुटमुट रिकवरी आप कह सकते हो कि सभी कमोडिटीज में खरीदारी देखने को मिली तो कॉटन में तेजी आ रही है। और कॉटन में मुझे लगता है कि बाजार नीचे गिरेंगे और अब जो ये तेजी बन भी रही है शॉर्ट कवरिंग के चलते, जो भी पोजीशनें खड़ी हो रही है यहाँ पर जिनके पास माल रखा है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है एग्जिट लेने की, क्योंकि आगे चलकर कॉटन के अंदर दबाव बन सकता है। और मेरे हिसाब से पीक आ चुका है मार्केट का और ये कमोडिटी मार्केट में स्पेशली कमोडिटीज का, में कॉटन का, कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन के अंदर जो लेवल्स लगने थे, जो हायर लेवल साइड आना था मार्केट, वो आ चुका है। अब यहाँ से तेजी की तरफ मार्केट नहीं है, छुटमुट तेजी बनी रह सकती है, लेकिन बाजारों के अंदर आपको जो भी ऊपरी स्तर मिले वहां पर धीरे धीरे माल को लिमिटेड करना चाहिए, फ्रेश बाइंग से बचना चाहिए जी। रूपा जी हाजिर में कॉटन के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या हाजिर में भी ऐसी रुझान बना रहने वाला है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कॉटन का जो नया माल है वो सर्दियों के आगमन पर ही आता है, तो ऐसे में अब गर्मियां आ गई हैं, कॉटन की डिमांड बढ़ती है गर्मियों के अंदर कॉटन क्लोथ्स के लिए, तो क्या ऐसे में डिमांड बढ़ने की वजह से तो क्या हाजिर की कीमतों में कुछ सुधार हो सकता है, या फिर हाजिर की भी कीमतें वायदा की तरह ही ऐसी सीमित दायरे में रहेंगी? देखिए, अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा तेजी हाजिर में भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। मार्केट जो है वो सस्टेन रह सकता है, गिरावट भी नहीं आएगी ज्यादा, तो बढ़ने की भी चांसेस काफी कम है जी। तो रूपा जी जिन्होंने माल स्टॉक किया हुआ है कॉटन का, तो क्या उनको क्या सलाह रहेगी ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी तरफ से? रूपा जी जिन कपास किसानों ने कपास का स्टॉक किया हुआ है, तो उन किसानों को, उन कारोबारियों को आपकी तरफ से ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या सलाह रहेगी? देखिए, मेरे हिसाब से एग्जिट करने की सजेशन रहेगी, जो भी मार्केट ऊपर आ रहा है एक दो दिन वेट कीजिए और अगर अपसाइड मिलता है तो वहां पर आपको एग्जिट ले लेना चाहिए जी। रूपा जी बात करें यहाँ से अगर आप ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम में देख रहे हैं कि अप्रैल वायदा 11,000 के ऊपर है, 11,400 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.25% की बढ़त है। ग्वार सीड का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 6,200 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है 1% की बढ़त के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि ग्वार गम, ग्वार सीड में काफ़ी समय से जो बाजार टूटा हुआ चल रहा था, सीमित दायरे में चल रहा था, अब उसमें अचानक से एक ही दिन के अंदर अंदर एक रात में ही तेजी आ गई है, आपको क्या लगता है ये जो तेजी बनी है क्या क्रूड की वजह से बनी है? क्योंकि क्रूड में हमने तेजी आते हुए तो देखी है, लेकिन ग्वार गम, ग्वार सीड का वायदा बाजार तब भी सुस्ती के साथ ही देखने को मिल रहा था, आपको क्या लगता है ग्वार गम, ग्वार सीड कैसा रह सकता है बाजार? देखिए, तेजी में रह सकता है मार्केट, मैंने हमेशा यही बोला है कि जब तक ग्वार जो है वो 10,000 के ऊपर सस्टेन है तब तक तेजी में ही है मार्केट, इसमें गिरावट नहीं है। लेकिन अभी एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो सकते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यूएस की तरफ से क्रूड का अगर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है तो ग्वार गम की डिमांड जो है वो निकल सकती है, इस वजह से थोड़ा सा सपोर्ट कीमतों को आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कीमतें वापस से तेजी की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि ग्वार गम फिलहाल 12,000 से, ग्वार सीड जो है 6,200 से लेकर 6,300 तक ऊपर जाती हुई वायदा में दिखाई दे सकती है जी। इसी के साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर आप कैसे सीड की,
तो कैसे सीड में देख रहे हैं कि मार्च वायदा 7200 के ऊपर है और अप्रैल वायदा 7300 के ऊपर, लेकिन आधे आधे फीसदी की गिरावट भी है। रूपा जी, यहाँ से अनुमान था कि कैसे सीड की कीमतों में यहाँ से अभी कुछ हल्की सी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि मंडियों के अंदर कैसे की आवकें हम देख रहे हैं ठीक ठाक देखने को मिल रही है, माल अच्छा खासा अवेलेबल है। तो आपको क्या लगता है, क्या कैस्टर में ये जो बाजार है वायदा में ये ऊपर की तरफ ही बना रहेगा ऐसी ही, या फिर यहाँ से अभी कुछ करेक्शन संभव है? देखिए, अराइवल अगर मार्केट में अच्छी खासी निकल कर आ रही है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत अराइवल प्रेशर का देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसका प्रोडक्शन कम है और एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, तो मुझे लगता है कि छुटपुट गिरावट में जा सकता है मार्केट, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और ऊपर में 7500 तक का स्तर संभव है देखने को मिल सकता है जी। इसी के साथ रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में हमने कल के कारोबारी सत्र में कुछ हल्की सी तेजी आते हुए देखी थी, हल्की सी बढ़त आते हुए देखी थी, आज भी देख रहे हैं हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। धनिया 1% की तेजी के साथ है, 11000 के करीब है। वहीं जीरे में देख रहे हैं 21000 के ऊपर निकल चुका है, और हल्दी की बात करें तो हल्दी ने फिर से 9000 का लेवल पकड़ लिया है। जो हल्दी नीचे में 8800 पर ट्रेड करती नजर आ रही थी वो 9000 पर निकल चुकी है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, मंडियों में नया माल आ जाना, उसकी वजह से तो बाजार डाउन जाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ से मसालों में वायदा में देख रहे हैं तेजी आ रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये निचले स्तर पर खरीदारी है? देखिए बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया था कि मसालों के अंदर अब जो ये करेक्शन आ रही है उसमें बाइंग में रहना चाहिए और मसाले तेज हैं। आप देखिए, जीरा वापिस से जो 20000 के आसपास था, 21500 के पास जाने के लिए तैयार है, यानी 22000-22500 का लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जीरे में देखने को मिल सकता है। धनिया में भी 12000 की तेजी आ सकती है, 12000 तक की। और वहीं जहां हल्दी की बात है, हल्दी में जरूर अच्छी खासी करेक्शन आई थी क्योंकि अराइवल का प्रेशर बहुत देखने को मिल रहा था, लेकिन वहीं अच्छी क्वालिटी की हल्दी की भी कमी बताई जा रही है। इस वजह से अब लगता है कि यहां से हल्दी भी सपोर्ट ले सकती है, लेकिन हल्दी में ग्रेजुअली तेजी बनती हुई दिखाई देगी, एकदम से फिलहाल तेजी की तरफ नहीं है मार्केट। और तेजी आती भी है तो अब यहाँ से 10000 के आसपास मार्केट सस्टेन हो सकता है, लेकिन मुझे जीरा और धनिया काफी अच्छा लगता है, इसके अंदर एक रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है। और हल्दी में भी अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलना है तो हल्दी में भी करेक्शन के अंदर बाय करके चला जा सकता है जी। रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर आप सरसों की, तो सरसों में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से रशिया यूक्रेन का वॉर अभी भी जारी है, फैसला नहीं आया है, सूरजमुखी का तेल का आयात बाधित हो रखा है, तो अगर कुछ समझौता होता है और इंपोर्ट फिर से चालू हो जाता है, तो क्या यहाँ पे खाद्य तेलों में कुछ सुस्ती आ सकती है? क्या यहाँ पर सरसों का तेल में ही थोड़ा सस्ता हो सकता है, जिस हिसाब से अभी मार्केट में एक महंगाई देखने को मिल रही है खाद्य तेलों के अंदर? देखिए, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन में जाए, लेकिन अभी तक तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही है। देखिए, तेजी अगर नहीं आएगी इसके चलते तो बाजार गिरेंगे भी नहीं, बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद ना लेकर चलिए, क्योंकि ऑलरेडी तेल पहले रिटेल में भी देखा जाए तो सस्ते हो चुके हैं, लेकिन अब वापिस से ये जो इम्पैक्ट आया था उसकी वजह से थोड़ा सा सस्टेनेबल लग रहा था मार्केट पॉजिटिव, और वही अभी ट्रेंड जो है वो बना रह सकता है। फिलहाल के लिए कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है जी। रूपा जी, बहुत सारे दर्शकों का सवाल है कि जिस हिसाब से कच्चा तेल लगातार महंगा होता जा रहा है, उसकी वजह से हमने सीपीयू में भी तेजी आते हुए देखी है, बाकी खाद्य तेलों में भी हमने तेजी आते हुए देखी है, सीपीयू में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, इस बार रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया सीपीयू, जो सीपीयू सबसे सस्ता मिलता था अब वही सीपीयू सबसे महंगा मिल रहा है अभी सरसों और सोयाबीन से भी ज्यादा, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्रूड में जो तेजी आई है उसका असर सीपीओ सोयाबीन समेत अन्य खाद्य तेलों पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, आप अपना सवाल दोबारा से दोहराइए। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि जो सीपीओ है, जो सबसे सस्ता बिकता था खाद्य तेल, वो इस समय सबसे महंगा बिक रहा है और रिकॉर्ड हाई पर कीमतें हैं सीपीओ की, ऐसे में आपको क्या लगता है, जो क्रूड में जो तेजी आई है उसका असर सीपीओ सोयाबीन समेत अन्य खाद्य तेलों पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी जो ये तेजी थी उसी का असर हम मार्केट के ऊपर, अभी फिलहाल यहाँ से अगर रूस और यूक्रेन की स्थिति संभलती है तो सभी कमोडिटीज के ऊपर एक बार जो तेजी बनी थी वो थमती हुई दिखाई दे सकती है। ये अभी जो मार्केट तेज हुआ है, न्यूज बेस्ड मार्केट तेज हुआ है और उसी का असर हमने बाजारों के ऊपर आता हुआ देखा है, और जो सूरजमुखी का तेल है वो इसीलिए तेज होता दिखाई दिया क्योंकि इम्पोर्ट इम्पैक्ट हो सकते थे, इस वजह से बाजारों में तेजी बनी है, और अगर सब स्थितियां नॉर्मल होती है तो वापिस से मार्केट नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं जी। इसी के साथ रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है, कल को हमने सोयाबीन में
अमेरिकी वायदा में अच्छी तेजी आते हुए देखी थी, वहीं से अब देख रहे हैं कि अभी भी ठीक ठाक तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन एनसीडीएक्स पर 7900 का लेवल तोड़ने के बाद सोयाबीन में कुछ नरमी देखने को मिली। आपको क्या लगता है रूपा जी, जिस हिसाब से फंडामेंटल्स हैं तो क्या सोयाबीन का बाजार अभी थोड़ा कुछ नीचे जा सकता है या फिर यहाँ से जो तेजी है वो कंटिन्यूशन में रहेगी? देखिए अभी थोड़ा करेक्शन आ सकती है एटलीस्ट एडिबल ऑयल पैक के अंदर, और एडिबल ऑयल पैक के साथ साथ सभी कमोडिटीज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि सभी कमोडिटी जो है अभी उसी न्यूज डेस्क मार्केट जो है वो रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्केट वापिस से उन्हीं स्थिति के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर स्थितियों में सुधार आता है तो वापिस से सभी कमोडिटीज के अंदर, चाहे वो सोयाबीन हो, सरसों हो, या फिर सीपीओ हो, या फिर सूरजमुखी का तेल, सभी में बाजारों के अंदर एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, सरकार भी देख रहे हैं कि सरकार की भी नजरें खाद्य तेलों की कीमतों पर लगातार बनी हुई है। हालांकि सरकार का अभी तक ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं आया है कि इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई हो, बढ़ाई गई हो, या फिर कुछ स्टॉक लिमिट टाइप का कुछ नया फैसला लिया गया हो, क्योंकि हम देख रहे हैं जो इम्पोर्टेड तेल है वो पहले से ही महंगा है और जो कंजप्शन है वो भी पहले के मुकाबले इस बार बड़ी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, भारत क्योंकि इतना खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर अभी तक नहीं बना है, भारत को अभी टाइम लग जाएगा, तो ऐसे में क्या सरकार कुछ नया फैसला ले सकती है खाद्य तेलों पर? देखिए अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ऐसा अभी कुछ अपडेट नहीं निकल कर आया। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, सब जानना चाह रहे हैं कि जो करंट वायदा में बिनौला खल के जो दाम देखने को मिल रहे हैं, क्या वो लेवल्स अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में खरीदारी में रहने के लिए? देखिए मेरे हिसाब से अभी बिनौला खल में बाइंग से बचना चाहिए, छुटपुट आप बाइंग में जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मार्केट जो है वो तेजी में नहीं है। फिलहाल जब तक 3200 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक इसमें बाइंग नहीं करना चाहिए। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है, रूपा जी हम देख रहे हैं कि चना वैसे तो मंडियों में एमएसपी से नीचे बिक रहा है, किसानों को एमएसपी भी नहीं मिल रही है, लेकिन रिटेल में 100 रुपए किलो से ही ज्यादा है, तो ऐसे में किसानों को तो मुनाफा नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बीच के जो जमाखोर हैं वो जरूर मुनाफा खा रहे हैं। आपको क्या लगता है अब चने का बाजार यहाँ से आगे कैसा रह सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन देख रहे हैं ठीक ठाक है, लेकिन किसानों के जो दाम मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, बावजूद इसके कि दालों के दाम काफी तेज हैं दुकानों पर? देखिए अभी बाजार सुस्ती में है दालों का, और दालों में भी अभी फिलहाल कोई तेजी बनती दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, क्या डॉलर चने में भी ऐसी रुझान रहेगा? देखिए बिल्कुल डॉलर चने में भी दबाव बना रह सकता हूँ। जी रूपा जी, देख रहे हैं जिस हिसाब से भारत के गेहूं एक्सपोर्ट में तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है, तो उससे आपको क्या लगता है, क्या इस बार की जो गेहूं खरीदी होगी क्या उसमें गेहूं के किसानों को काफी अच्छे रिकॉर्ड दाम मिलते नजर आ सकते हैं, क्या एमएसपी से भी ऊपर गेहूं बिकता नजर आ सकता है? देखिए एमएसपी के ऊपर तो फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है अभी फिलहाल गेहूं का बिकना, हाँ एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ा सा पिकअप होने की जरूरत खबरें निकल कर आ रही है कि एक्सपोर्ट डिमांड निकल सकते हैं, लेकिन एमएसपी तक ही मैक्सिमम मार्केट जो है वो स्टेबल रह सकते हैं। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आप जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि मसालों के अंदर खरीदारी करें, मसालों और ग्वार के अंदर, ये दो कमोडिटी ऐसी हो सकती है जो आपको आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज है मुनाफा कमाने की, और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।